इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आज हम लोग इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो 4 करेंगे। दैट इज द लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 पार्ट में डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3। यहां पर हम कोशिश करेंगे एबनॉर्मल लॉस का सिचुएशन दिखाने के लिए, और हो सकता है तो अगर परमिट करता है तो एबनॉर्मल गेन को दिखाने के लिए। चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। And cost per unit, per element. Per unit. Particulars, rather मैं लिखूंगा input units, output units, material material percentage unit, labor percentage unit, overhead percentage units, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। नॉर्मली हम लोग जो करते हैं फर्स्ट वाला फीफो, ओपनिंग WIP 400 यूनिट्स, इंट्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स, कंप्लीटेड। कॉम्प्लीटेड का दो पार्ट होता है FIFO में, ओपनिंग WIP के लिए और दूसरा करेंट। ओपनिंग WIP कितना 400, टोटल कॉम्प्लीटेड गुड से 1500, तो करेंट का कितना हुआ होगा 1100। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 2000 इंट्रोड्यूस का 200, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कितना, क्लोजिंग WIP 500 यूनिट्स, 600 यूनिट्स, सॉरी, इनपुट 2400, आउटपुट देखिए ऐड करके कितना हो रहा है, ऐड करके हो रहा है 2300, तो डिफरेंस है एबनॉर्मल लॉस।
दैट इज बैलेंसिंग फिगर 100 यूनिट्स 2400, मतलब इनपुट आउटपुट आपका टोटल मैच हो गया। ओपनिंग WIP में लास्ट ईयर कंप्लीट मटेरियल का 100%, तो नेचुरली इसके ऊपर मटेरियल का खर्चा 0% हुआ होगा। लेबर लास्ट में खर्चा हुआ था 40, इस बार 60 होगा शायद। ओवरहेड भी 60 240, करंट को जो 1100 हुआ है तो पूरा ही इस बार कंप्लीट हुआ है। नॉर्मल लॉस का आप जानते हैं कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। क्लोजिंग WIP का इस साल पूरा मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है। लेबर एंड ओवरहेड फोर्टी परसेंट एबनॉर्मल लॉस का प्रोसेस लॉस जो है आइडेंटिफाई किया है, क्या वो पूरा कंप्लीट है? नहीं, कुछ नहीं बोलता तो पूरा कंप्लीट मानते हैं, मतलब कंप्लीट होने के बाद लॉस हुआ है, डिफेक्ट हुआ, मतलब 100% सिंस यहां पर बोल दिया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस आइटम कितना बोल दिया है, जिसका मेटेरियल 100% 240 plus 1100 plus 240 plus 50 1630 1800 Now total cost, since FIFO only current year ही लेंगे, current year 25, 12, 15 25,000, 12,000, 15 अगर वेटेड एवरेज होता तो करंट ईयर और लास्ट ईयर का WIP दोनों ही लेते। लेस स्क्रैप 200 × ₹2 दो करके, नॉर्मल लॉस जो है उसका तो स्क्रैप रियलाइज होगा 2 रुपए करके, तो 200 × 2 400 नेट कॉस्ट 24,600 12,000 15,000 ये था इक्विवेलेंट यूनिट्स कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटीन हंड्रेड 13.67 12,000 बाई 1630 12,000 divided by 1630 ₹7.36 15,000 divided by 1630 9.6
choose 0. 15,000 divided by equivalent units 1630. Done. अब वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स उसका तीन पार्ट होता है, एक करंट जो कंप्लीट हुआ है उसका, एक ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो सेमी फिनिश था वो इस बार कुछ कंप्लीट हुआ है और लास्ट ईयर में भी कुछ कंप्लीट हुआ है, तो तीनों कॉस्ट एक साथ आएगा। तो टोटल फिनिश गुड्स कितना, टोटल फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स का कॉस्ट ए, करंट इंट्रोडक्शन इलेवन हंड्रेड यूनिट्स इंटू रुपीज 13.67 प्लस 7.36 प्लस 9.20 13.67 प्लस 7.36 प्लस 9.20 into 1100 33,253, मतलब ये 1500 में 1100 करंट ईयर में हुआ। बी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लास्ट ईयर एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर में मेटीरियल लेबर ओवरहेड लगा था ना 4,000, 1,000, 2,000 प्लस 2,000, 7,000 करंट ईयर में भी उसके लिए कुछ खर्चा हुआ, तो सेमी फिनिश था कंप्लीट करने के लिए, मेटेरियल 0 into 13.67 0, labor 240 into rupees 7.36 overhead 240 into rupees 9.20 240 into 7.36 1766.4 240 into 9.2 2208 3974 का वैल्यू हो गया 1, 2, 3 कंपोनेंट बोला था प्लस 7,000 लास्ट ईयर का खर्चा, करंट ईयर 33,253 44,227 कॉस्ट ऑफ WIP closing WIP material 600 into rupees 13.67 labor 600 240 into 7.36 overhead 240 into rupees 9.20 600 into 600 into 13.67 8202
240 into 7.36, 1766, 240 into 9.2, 2208, 12,176. That is value of WIP. Now abnormal loss ka value. Material 600. Abnormal loss is 100. 100 into rupees 13.67. 1367. Labor 100 into 7.36, 736. Overhead 100 into 9.20, 920. 1367 plus 736 plus 920, 3023. हो गया वैल्यूएशन. मतलब आप लोग अगर फिनिश गुड्स रहता है उसका वैल्यूएशन सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग सीख गए अगर सेमी फिनिश गुड्स रहता है तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा थ्रू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. कट गया था आप लोग करें. ये मैंने फिफो में किया था, यही आप करूंगा वेटेड एवरेज में. वेटेड एवरेज में कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आप लोग करेंगे. मतलब मैं मान के चलूंगा पूरा ही इस बार कंप्लीट हुआ है. ओके चलिए देखते हैं. आप लोगों को तो करना पड़ेगा, आप लोगों के तो बस ऑप्शन नहीं है. मेरा एडवांटेज था वेटेड एवरेज. मैं मान के चलूंगा पूरा ही इस बार कंप्लीट हुआ है 1500, तो पूरा 100 ही मैं मानूंगा वेटेड एवरेज का रेट निकालने के लिए. इक्विवेलेंट जो यूनिट होगा मैं पूरा ही मान के चलूंगा करंट ईयर में हुआ है, बाकी तो सब सेम ही है. 2200 1790 1790. टोटल कॉस्ट में करेंट ईयर प्लस लास्ट ईयर का कॉस्ट भी ऐड होगा. लास्ट ईयर का कॉस्ट 412 1000 2000 17000 13000 29000. लेस क्रैप 400, net cost 28,600, cost per equivalent unit, material के लिए हुआ
नेट कॉस्ट, अगर ये था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ए, नेट कॉस्ट बी, ए बाई बी, सॉरी बी बाई ए, $28,600 डिवाइडेड बाई 2,200, 13,000 डिवाइडेड बाई 1,790, ₹7.26, 17,000 डिवाइडेड बाई 1,790, ₹9.73 कर देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। ओके, वैल्यूएशन में आ जाते हैं। मैं मान के चलूंगा पूरा ही इस बार कंप्लीट हुआ है, तो फिनिश गुड्स का वैल्यू है 1500 यूनिट्स इनटू रुपीस 13 प्लस 7.3 प्लस 9.5 इनटू 1500 44,700 कॉस्ट ऑफ WIP मेटेरियल लेबर, कौन सा क्लोजिंग लेबर ओवरहेड मेटेरियल हाउ मच WIP का 600 इंटू रुपीज 13 240 इंटू रुपीज 7.3 240 इंटू रुपीज 9.5 600 इंटू 13 7,800 240 इंटू 7.3 1,752 240 इंटू 9.5 2280 वैल्यूएशन करके 11,832 कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100। मेरा वहां पर गलती हुआ था, ये 100 नहीं होगा, 50 होगा। क्यों? बिकॉज यहां पर भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 50-50 है, तो ये फिगर चेंज होगा। 50 × 7.36 (368), 50 × 9.2 (460), 460 plus 368 plus 1367 2195 100 into rupees 13 50 into rupees 7.3 50 into rupees 9.5 130 1300 50 × 7.3 (365 50 × 9.5 (475 plus 365 plus 1300 2140 वहां पर वैल्यू आता 2195। तो ये वैल्यू एक का है फिनिश गुड्स क्लोजिंग WIP, फिनिश कंप्लीटेड गुड्स क्लोजिंग WIP अब नॉर्मल लॉस। सेम प्रॉब्लम मैंने ये प्रॉब्लम करा था इलस्ट्रेशन 3 बेसिकली टू शो द इफेक्ट ऑन अब नॉर्मल लॉस।
Now illustration 4. चलिए वी हैव डन द एबनॉर्मल लॉस. अब थोड़ा डिफरेंट और एक एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट कराते हैं. देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, जहां पर ओपनिंग WIP दे गया है. ओपनिंग WIP 400 यूनिट्स, इंट्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, कंप्लीटेड में ओपनिंग WIP कंप्लीट हुआ है 400 एंड इंट्रोड्यूस कंप्लीट हुआ है मतलब करंट 1400. कैसे पता चला बैलेंसिंग फिगर? बिकॉज फिनिश हुआ है हाउ मच 1800. डन. नॉर्मल लॉस टेन परसेंट ऑफ 2000 इनपुट का 200. क्लोजिंग WIP यूनिट्स ऐड करके देखिए क्रॉस कर रहा है 2400 2500. तो ज्यादा के कारण लेस एबनॉर्मल गेन बैलेंसिंग फिगर 100 यूनिट्स. ओपनिंग का लास्ट ईयर में काम फिफो में कर रहे हैं तो सेपरेटली करना पड़ेगा. मटेरियल का डैश बिकॉज लास्ट ईयर में 100% हुआ था. लेबर का 50%. तो 400 का 50% लास्ट ईयर में हुआ था, करंट ईयर में 50%, 200 50% 200. और इंट्रोड्यूस तो पूरा ही करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है, करंट ईयर में पूरा ही कंप्लीट हुआ है, करंट ईयर में पूरा ही कंप्लीट हुआ है. नॉर्मल लॉस, नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेट वैल्यूएशन. क्लोजिंग WIP 100% मटेरियल 60%, 100% लेबर 60%, दैट इज 300. ये भी 60%, दैट इज 300. एबनॉर्मल गेन नेगेटिव में है तो मैं यहां से भी माइनस कर दूंगा. एबनॉर्मल गेन मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन होना. तो 100% मतलब कंप्लीटेड गुड्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होना. डिडक्ट कर दिया. देयरफॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोडक्शन $1800
AB 1800, AB 1800, वेरी गुड। जनरली होता नहीं है, इसमें देख रहा हूं टोटल कॉस्ट करंट ईयर, मटेरियल 37,000, लेबर 18,000, ओवरहेड 9,000, लेस स्क्रैप 200 आपने एक्सपेक्ट किया था यूनिट्स इंटू रुपीज 5,000। नेट कॉस्ट 36,000, 18,000, 9,000, इक्विवेलेंट पर यूनिट ए, नेट कॉस्ट बी, सी कॉस्ट पर यूनिट बी बाय ए, 36,000 डिवाइडेड बाय 1800, ₹20, ₹10, ₹9,000 divided by 1800, 5. Done. Valuation. Finished goods. First part, out of current introduction, introduced current में 1400 units into rupees 20 plus 5 plus 5. T5 into 1400, 49,000. B, out of opening WIP. Opening WIP का दो सिचुएशन हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर, कितना रुपीज 2000, रुपीज 1800, रुपीज 500, 4300 करेंट ईयर एक्सपेंडिचर, मेटेरियल 0 into rupees 20 मिल, लेबर 200, ये तो 400 लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ 200 into rupees 10, 2000, ओवरहेड 2000 into rupees 5, 1000, total 3000. 49 plus 4300 plus 3000, 56,300. Closing WIP. Material.
300 ना पूरा ही कंप्लीट है, तो 500 इंटू 220 10,000 लेवर 300 इंटू रुपीज 10 3,000 ओवरहेड 300 इंटू रुपीज 5 1,500 14,500 इज अ क्लोजिंग डब्ल्यू वैल्यू। एबनॉर्मल गेन, मटेरियल 100 इंटू रुपीज 20, लेबर 100 इंटू रुपीज 10, ओवरहेड 100 इंटू रुपीज 500, टोटल 3,500। टू थ्री वन हो गया अंडर 34। यहां पर देखने वाले बात है अबनॉर्मल गेन को मैंने माइनस कर दिया, डन। सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा अंडर वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या अज्यूम करते हैं, करंट ईयर में ऑल गुड्स ओपनिंग डब्ल्यू ए बोल के कुछ नहीं है, सब गुड्स करंट ईयर में ही हुआ है। तो 1800 को मैं मानूंगा करंट ईयर में ही हुआ है, 1800 23 2200 2000 लास्ट ईयर का यूनिट अगर इस साल में मानता हूं तो मैं मान के चलूंगा वो यूनिट के लिए लास्ट ईयर में जो खर्चा हुआ है लास्ट ईयर में वो भी पार्ट ऑफ करेंट ईयर का कॉस्ट है। 8,000 2,000 4,000 यहां पर थोड़ा गड़बड़ किया है। 4,000 फिगर कम्स टू 14,000 66,000 मैं फिगर गलत लिखा था लास्ट ईयर का। 8,000 4,000 2,000 लेस क्रैप रुपीज 5 × 200 डैश डैश नेट कॉस्ट ए
44,000, 22,000, 11,000. Thirty-seven plus eight, forty-five minus one, forty-four, twenty-two, nine and two, 11,000. Cost, अच्छा ये नहीं होगा बी, cost per equivalent units, B by A, 44 divided by 2200, look this 20, 22,000 divided by 2000, rupees 11, 11,000 divided by 2000, 5.5. Valuation. Finished goods. Units. So 1800 into rupees, material ka 20, labor ka 11, overhead ka 5.5. 20 plus 11 plus 5.5 into 1800. 65,700. 2. Closing WIP. Material 500 into rupees 20. 10,000. Labor 300 into rupees 11. 3,300. Overhead 300 into rupees 5.5, 1650. $14,950. 3. Abnormal gain. Abnormal gain matlab extra finished goods produced than expected. So material, labor, overhead, sab mein 100 into 20, 100 into 11, abnormal gain always 100 hota hai, because abnormal gain ka matlab hi hai, expected finished goods se zyada production hua hai, to zyada finished goods hua hai, to matlab complete goods hua hai. 2000, 1,100, 5,500, 550, 20 plus 11 plus 5.5 into 3,650. तो ये valuation हुआ था weighted average. ये वैल्यूएशन हुआ है FIFO. तो देखते देखते हम लोगों का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फाउंडेशन कंप्लीट हुआ. मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने फाउंडेशन को पकड़ के भीत को मजबूत करके ही मैं प्रोसीड करने जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में प्रोसेस में प्रॉब्लम देखेंगे. ओके चलिए.